वेलकम ट्रेडर्स, ट्रेडलू के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडलू के स्विंग स्क्रीनर के कुछ स्टॉक्स। इस वीक में हमारे ट्रेडलू प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को सुपर रिटर्न्स देखने मिले। एचडीएफसी लाइफ एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी लाइफ में मोर देन प्लस 5% स्विंग ट्रेडिंग गेंस, सेम वेज हिंदुस्तान यूनिलीवर में मोर देन प्लस 4% स्विंग ट्रेडिंग गेंस। ये दोनों स्टॉक्स आप देख सकते हो हमारे स्विंग स्क्रीनर में जनरेट हुए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन फॉर ऑल आर ट्रेडलू सब्सक्राइबर्स, ये जो सारे स्टॉक्स ट्रेडलू के स्क्रीनर में जनरेट होते हैं, ये कोई बाय एंड सेल टिप्स नहीं है। इनमें आपको ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है। कुछ इम्पॉर्टेंट एंड सिंपल ट्रेड एग्जीक्यूशन पैटर्न आपको एक्सप्लेन किए गए, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे ब्रेकआउट, रिवर्सल एंड रेड एंड ग्रीन डॉट्स, जो आपको इंडेक्स ट्रेडिंग में हेल्प करती है, बट ब्रेकआउट एंड रिवर्सल आपको स्टॉक ट्रेडिंग में हेल्प करती है। ये जो एग्जीक्यूशन पैटर्न है, ये आपको कंसेप्ट वीडियोस में मिल जाएगी। ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो हमारे ट्रेडलू के यूट्यूब चैनल पे, आप जरूर उसे विजिट करें और एंड इन डिटेल इन सारे एग्जीक्यूशन पैटर्न्स के बारे में जानिए। चलिए अब चलते वीडियो के मेन टॉपिक पे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ट्रेडलू के स्विंग स्क्रीनर में चार स्टॉक जनरेट हो गए थे। डिविस लैब ऑन 25th ऑफ जून, एचडीएफसी लाइफ 1st ऑफ जुलाई, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी 1st ऑफ जुलाई को ही जनरेट हुआ था, एंड इंडियन होटल अगर आप देखोगे तो 9th ऑफ जुलाई ये लेटेस्ट स्टॉक जनरेट हुआ है, दैट इज विद द बुलिश व्यू। चलिए अब समझते हैं इन सारे स्टॉक्स को, एड कर देते हैं हमारे वॉचलिस्ट नंबर 1 में। और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने वॉचलिस्ट में एड किए हुए स्टॉक्स। अब इन डिटेल इन सारे स्टॉक्स के बारे में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक सिलेक्शन। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि स्टॉक्स क्यों सिलेक्ट किए गए थे, एग्जीक्यूशन क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे आपको रिस्क मैनेज करनी है। क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं मैनेज करोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि कोई भी आपका सेटअप आपके फेवर में वर्क नहीं करेगा। अलॉन्ग विद द एग्जीक्यूशन पैटर्न, अगर आप प्रॉपर वे में आपकी रिस्क मैनेज करते हो, प्रॉपर ट्रेड वैल्यू मेंटेन करते हो, प्रॉपर स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट करते हो, तो ही आपको रिजल्ट्स मिलेगा आपके ट्रेडिंग में। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर। मेनली अगर आप देखोगे तो स्टॉक स्क्रीनर में तो जनरेट हुआ, बट इनकी एग्जीक्यूशन आपको इन डिटेल हमारे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के ग्रुप में मिल जाती है। जैसे आप देखोगे तो 1st ऑफ जुलाई को यह पर्टिकुलर इमेज शेयर किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आज अगर आप देखोगे तो ऐसे पर्टिकुलर इमेजेस आपको शेयर किए जाते हैं जहाँ पे एग्जीक्यूशन एक्सप्लेन की जाती है। इन डिटेल अगर आपको एग्जीक्यूशन समझनी है तो लाइव एनालिटिकल सेशंस होते हैं हमारे प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए मॉर्निंग आवर में ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आज, उनमें ये सारे स्टॉक्स डिस्कस किए जाते हैं। चलिए अब समझते हैं क्या कंसेप्ट का ट्रेड था। सिंपल अंडरस्टैंडिंग थी, जैसे हमने हमारे स्विंग ट्रेडिंग कंसेप्ट वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, जब भी प्राइस फॉल होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन लेवल्स पे सस्टेन करता है, साइडवेज होता है, तो बेसिकली हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए प्लान करते हैं। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है रेड बैंड ब्रेकआउट, जो पर्टिकुलर सेटअप हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जैसे प्राइस रेड बैंड के ऊपर ब्रेक करेगा तो हमें बुलिश व्यू रखना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड बैंड मतलब यहाँ पे सेलिंग जोन है। चलिए अब चलते ट्रेडलू के चार्ट्स पे। नो डाउट अभी चार्ट्स अपडेट हो चुके हैं, हम एक बड़े टाइम फ्रेम पे पहली बात तो ये पर्टिकुलर स्टॉक समझेंगे, जिससे आपको एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि 1st ऑफ जुलाई के पहले क्या पिक्चर थी और उसके बाद हम कैसे हमने एक ब्रेकआउट प्लान किया। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो प्राइस एक पर्टिकुलर वे में फॉल हो चुकी थी। अगर ये आप फॉल कैलकुलेट करोगे तो मोर देन अगर आप देखते हो तो 300 पॉइंट्स की फॉल है, ऑलमोस्ट मोर देन 10% की फॉल है। यहाँ पे फॉल आने के बाद प्राइस साइडवेज होती है, बट अगर आप देखोगे तो ऐसी फॉल बहुत सारे स्टॉक्स में आएगी मार्केट में। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडलू का रोल यहाँ पे कहाँ पे प्ले आउट होता है, वो होता है आपके ट्रेडलू के लेवल्स। अगर आप ऑप्शन लेवल्स या बायर सेलर जोन्स जो आपके रेड एंड ग्रीन बैंड एनेबल करते हो तो आपको और कॉन्फिडेंस आ जाती है कि कहाँ से आपकी ट्रेड रिवर्स होने वाली है। मेनली अगर आप देखोगे तो 1st ऑफ जुलाई का ये पर्टिकुलर चार्ट था जहाँ पे रेड बैंड प्रेजेंट है। रेड बैंड के साथ अगर आप देख सकते हो ओआई लेवल्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे बिलो अगर आप देखोगे डाउन साइड पे मैक्स पुट ओआई लेवल प्रेजेंट है एट 2400 जोन। ट्रेडलू के ये सारे लेवल्स आपके डेली बेसिस पे अपडेट हो जाते हैं। नो डाउट आज देख सकते हो ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है 11th ऑफ जुलाई को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी ये 11th ऑफ जुलाई के लेवल्स अवेलेबल है। बट अगर जैसे आप देख सकते हो फॉर रेफरेंस ये पर्टिकुलर इमेज आप देख सकते हो 1st ऑफ जुलाई के लेवल्स के लिए। जैसे आपको पता है रेड बैंड यहाँ पे प्रेजेंट था प्रीवियसली ऑन 1st ऑफ जुलाई, जो था अराउंड 2510 जोन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 1st ऑफ जुलाई को जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया एंड यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे हमने बताया आपको, हमेशा आपको ट्रेड जब आप लेते हो तो आपको हमेशा एक प्रॉपर रिस्क मैनेज करनी है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉसेस भी मेंशन किए जाते हैं कि कहाँ पे आपका स्विंग ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि नो ट्रेड इज पॉसिबल विदाउट अ स्टॉप लॉस। आपको हमेशा एक प्रॉपर वे में आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना होता है। बिफोर द एग्जीक्यूशन ही आपको पता होनी चाहिए कि आपकी रिस्क क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पर्टिकुलर वे में कंसोलिडेशन हो रहा था, मेनली आफ्टर अ ह्यूज फॉल यहाँ पे एक बुलिश चार्ट पैटर्न बन रहा है, काइंड ऑफ अ कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। एंड जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया,
ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो फ्यू डेज के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन मिल जाती है आपको, ऑलमोस्ट 5th of July तक कंसोलिडेशन, और उसके बाद आप देख सकते हो वन वे यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मूव देखने मिल जाता है। जैसे आपको पता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एक निफ्टी 50 का कंपोनेंट, एंड अगर आप निफ्टी 50 की एनालिसिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि लास्ट 5 days से या लास्ट फ्यू डेज से अगर आप देखोगे तो निफ्टी भी ऊपर जा रहा है। तो अगर निफ्टी भी बुलिश रैली में है तो नो डाउट निफ्टी के कंपोनेंट्स भी एक बुलिश मोमेंटम दिखाएंगे, और जैसे आप देख सकते हो हमने वही एक बुलिश मोमेंटम प्ले आउट कर जाते हैं। और जैसे आपको पता है कि यहाँ पे रेड बैंड प्रेजेंट था, और उसी के साथ साथ जैसे प्राइस ने सेलर्स को ट्रैप किया आपको वन वे 2510 से ऑलमोस्ट एक 2622 मतलब मोर देन 100 पॉइंट की यहाँ पे वन वे रैली देखने मिली। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर के ट्रेड में सिंपल अंडरस्टैंडिंग थी, प्राइस फॉल होने के बाद मैक्स पुट ओआई लेवल पे सस्टेन करा था। ट्रेड लू के ऑप्शन लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे बिग प्लेयर्स प्रेजेंट है। मैक्स पुट ओआई लेवल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे पुट बेचे गए मैक्सिमम क्वांटिटी में। अगर कोई भी ट्रेडर पुट बेचता है मतलब उसका व्यू जो है वो बुलिश है। सिंस यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी में पुट बेचे गए, इसका मतलब है यहाँ पे गुड अमाउंट ऑफ बुलिशनेस प्रेजेंट है, और इसी को हम प्ले आउट कर रहे हैं जो हम रिवर्सल फॉर्मेट में भी देखते हैं। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर रिवर्स कर जाता है उसके साथ ही साथ आप देख सकते हो एक आपको वन वे बुलिश रैली देखने मिल जाती है। चलिए अब समझते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो था HDFC Life। HDFC Life भी सिमिलर सेटअप, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो सिमिलर वेज में एग्जीक्यूशन पैटर्न आपको एक्सप्लेन की जाती है HDFC Life की भी। HDFC Life में अगर आप देखोगे तो सेम वेज यहाँ पे रेड बॉक्सेस प्रेजेंट थे, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर में रेड बैंड प्रेजेंट था यहाँ पे रेड बॉक्सेस प्रेजेंट है। दोनों भी आपके जो रेड बॉक्स और रेड बैंड जो है वो कंसेप्ट सेम वेज एक्सप्लेन की जाती है, दैट इज सेलिंग जोन। रेड बैंड के केस में सेलिंग ज्यादा होती है, ज्यादा क्वांटिटी में वहां पे सेलर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड रेड बॉक्स भी अगर आप देखोगे तो सेम वेज एक्ट करेगा। जैसे प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा हमें बुलिश व्यू के लिए प्लान करना था। ये 1st of July का स्क्रीनशॉट है, जैसे आप देख सकते हो प्राइस ग्रीन बैंड पे सस्टेन करी थी, ग्रीन बैंड के साथ साथ मैक्स पुट ओआई जोन भी है, और आप देखोगे तो मैक्स पुट ओआई के नीचे हम एसएल मेंटेन कर रहे थे। मैक्स पुट ओआई के साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेजर क्वांटिटी में बायस प्रेजेंट है, तो एक रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी हाई थी। चलिए अब चलते हैं ट्रेडक्लू चार्ट्स पे और समझते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट अगर आप चेक करते हो तो इंटरेस्टिंग था। डेली चार्ट में एक इंपॉर्टेंट बुलिश पैटर्न यहाँ पे बन चुका था। बुलिश पैटर्न का मतलब है अगर आप देखोगे तो चार्ट पैटर्न वन वे यहाँ पे फॉल होने के बाद आप देख सकते हो एक डबल बॉटम बन चुका था ऑलरेडी। डबल बॉटम के बाद ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट होता है डबल बॉटम के साथ, और फिर एक बार एक यहाँ पे बुलिश मोमेंटम का स्टार्ट लेने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पे हमारा जो ब्रेकआउट लेवल था अगर आप देखोगे तो यही पर्टिकुलर ब्रेकआउट लेवल पे हम प्लान कर रहे थे। चलिए अब देखते फिर एक बार ये स्क्रीनशॉट को, जहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस सस्टेन कर रही थी, रेड बॉक्सेस प्रेजेंट थे, मैक्स कॉल ओआई जोन है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 605 का जो ब्रेकआउट जोन था। अब यहाँ पे हमें इन डिटेल समझना है एक लोअर टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम चेक करते तो एग्जीक्यूशन आपकी और भी क्लियर हो जाएगी। प्राइस अगर आप देखते हो तो एक वन वे यहाँ पे साइडवेज जोन में चल रहा था प्राइस, एंड कंसोलिडेशन जोन में जब प्राइस चलता है तब उसको हमें प्लान करना है ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए। जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है प्राइस शुड ट्रेड इन अ कंसोलिडेटेड रेंज फॉर अ ब्रेकआउट, मतलब अगर हमें रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए प्लान करना है तब बेसिकली प्राइस एक मोमेंटम में होने चाहिए। अगर कंजेक्यूटिव डेज राइज हो रहा है तब हम बेसिकली रिवर्सल ऑन द बेरिश साइड प्लान करते हैं, सेम वेज अगर कंजेक्यूटिव डेज फॉल हो रहा है तब बेसिकली हम बुलिश रिवर्सल के लिए प्लान करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में देखोगे तो आप देख सकते हो लास्ट फ्यू डेज से ऑलमोस्ट साइडवेज जोन में चल रहा था, मतलब एक रेडी हो चुका था बिगर ब्रेकआउट के लिए। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 1st of July का अपडेट आ जाता है, स्क्रीनर यहाँ पे स्टॉक जनरेट कर देता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जैसे हमने बताया कि ये जो स्क्रीनर जो जनरेट कर रहे हैं स्टॉक्स, ये कोई टिप नहीं है, जनरेट होते बराबर हमें ट्रेड नहीं करना है। एग्जीक्यूशन पैटर्न आप सभी को पता है, वेट करना है जो एग्जीक्यूशन आपको एक्सप्लेन की गई है, लाइव एनालिटिकल सेशन में भी इन डिटेल एक्सप्लेन की जाती है। सेम वे जैसे प्राइस ने 605 जो मार्क जोन था जहाँ पे मल्टीपल रेड बॉक्सेस प्रेजेंट थे, 1st of July को यहाँ पे रेड बॉक्सेस प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे एक मेजर क्वांटिटी में सेलर्स प्रेजेंट है। उसके साथ ही साथ आप देखोगे तो ऑप्शन लेवल्स मैक्स कॉल हुआ है, मैक्स पुट हुआ है, सो कॉल राइटर्स भी प्रेजेंट थे, पुट राइटर्स भी प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे एक मल्टीपल यहाँ पे ब्रेकआउट जोन आने वाला था, मल्टीपल यहाँ पे बिग प्लेयर्स प्रेजेंट है। जैसे ही प्राइस अपसाइड के लिए ब्रेकआउट हो जाते तो ये सारे बिग प्लेयर्स जो थे ये ट्रैप हो चुके हैं, और उसके साथ साथ आप देख सकते हो वन वे यहाँ पे हमें शॉर्ट कवरिंग देखने मिल जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो मोमेंटम थी ये बहुत बढ़िया मोमेंटम थी, आप देख सकते हो मोर देन +5% की हमें रैली देखने मिली विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज। अगर आप देखोगे तो 1st of July और ऑलमोस्ट 10th of July तक आपको 5% की अपमूव देखने मिली। ये अपमूव एक्सट्रीम क्यों आ रही है दोनों केसेस में, क्योंकि हम देख रहे हैं तो रेड बॉक्स एंड रेड बैंड ये दोनों इंपॉर्टेंट जोन के
ऊपर ही हम बेसिकली ट्रेड्स प्लान कर रहे हैं, जिसके कारण आप देख सकते हो जैसे ही सेलर्स ट्रैप होते हैं हमें ब्रेकआउट देखने मिलते हैं, और ऐसे पर्टिकुलर ट्रेड्स हम हमारे इंट्राडे अपडेट्स में भी चेक करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो इस वीक के ये दो सुपर अपडेट्स थे, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड एचडीएफसी लाइफ। सिमिलरली अगर आप डिवी स्लैब पे फोकस करोगे तो सेम एग्जीक्यूशन पैटर्न थी, जहां पे मैक्स पुट ओआई पे प्राइस सस्टेन कर रहा था, प्राइस मेजर टाइम के लिए साइडवेज जोन में है मैक्स पुट ओआई पे, सेम वे यहां पे ब्रेकआउट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 25 जून का अपडेट था। अगर आप देखोगे तो डिवी स्लैब का केस बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट था एसएल मेंटेन करना। एसएल मेंटेन करना क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप इस पर्टिकुलर ट्रेड से समझोगे इन डिटेल। जैसे आप देख रहे हो डिवी स्लैब का अपडेट 25 जून को दिया गया था। डिवी स्लैब सिंपल अंडरस्टैंडिंग थी, प्राइस साइडवेज था, सेम फॉर्मेट के साथ आप पर्टिकुलर ट्रेड में प्लान कर रहे हो ब्रेकआउट। रेड बॉक्सिस प्रेजेंट है, रेड बॉक्सिस के ऊपर हम बेसिकली ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए प्लान करें, मतलब सिंपल सेलर ट्रैप सिनेरियो है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एसएल मेंटेन किया जा रहा है इस पर्टिकुलर स्विंग लो के नीचे, तो ये पर्टिकुलर आर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट है। एंड सेम वेज अगर आप देख सकते हो 4400 मैक्स पुट ओआई के आसपास हमें एसएल मेंटेन करना है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो प्राइस ऑलरेडी साइडवेज जोन में था, प्राइस ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट किया, एग्जीक्यूशन हो गया आपका यहाँ पे। एंड मेनली आप देखते हो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट नीचे आ गया था, और जैसे आप देख सकते हो मैक्स पुट ओआई जो आपका 4400 जोन था उसके नजदीक आ जाता है। नजदीक आने के बाद मेनली आप ऐसे सिनेरियोज में क्या करोगे, अगर बैक टू बैक यहाँ पे फॉल आ रहे ऐसे सिनेरियोज में नो डाउट पैनिक सिचुएशन हो जाता है, एक एसएल आपका लग सकता है। जैसे आपको पता है कि ये कोई भी स्टॉक्स आपके 100% नो डाउट वर्क नहीं करने वाले, आपको एक प्रोबेबिलिटी रखनी होती है। आपने अगर आप हमारे प्रीवियस भी अपडेट्स देखोगे, लास्ट मंथ का अगर आपने एसआरएफ का वीडियो देखा होगा, सेम एग्जीक्यूशन पैटर्न, अच्छा परफॉर्मेंस, मोर देन 6-7% की अप मूव, बट नो डाउट कोई ना कोई ट्रेड आपके अगेंस्ट जा सकता है, दैट इज ऑलवेज द प्रोबेबिलिटी। बट यहाँ पे एसएल का क्या रोल हो जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे इस लेवल के बिलो हमने एसएल मेंटेन किया था, जैसे आपने स्क्रीनशॉट में देखा। सेम वेज उसी पर्टिकुलर जोन से आप देख सकते हो प्राइस रिवर्सल कर जाती है, मतलब आपको और एक चांस यहाँ पे मिल जाता है आपका पोजीशन होल्ड करने के लिए। फिर एक बार आपके बाइंग लेवल पे आ जाती है, एंट्री लेवल के ऊपर आपकी फिर एक बार पोजीशन पॉजिटिव भी हो जाती है। ऐसे सिनेरियोज में आप क्या कर सकते हो, तो ऐसे सिनेरियोज में जब प्राइस ऑलरेडी इतनी वॉलेटाइल है तो हमेशा आपका मेन अंडरस्टैंडिंग होता है एसएल को ट्रेल करना। अगर आपका इनिशियल एसएल इसके नीचे था, मतलब ये पर्टिकुलर स्विंग के नीचे था, आर्ली स्विंग के नीचे था, तो नो डाउट आप पर्टिकुलर एसएल फिर एक बार मेजर स्विंग के नीचे, मतलब ये पर्टिकुलर स्पाइक के नीचे आप रख सकते हो। तो चार्ट्स पे स्पाइक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे प्राइस ने ऑलरेडी आपको यहाँ पे शेकआउट दिया, नो डाउट ये पर्टिकुलर शेकआउट था निफ्टी के फॉल के वजह से, और उसके साथ ही साथ हमें एक राइज भी देखने मिला। फिर एक बार देखते हो तो ये आपके पास एक सेकेंड चांस है। उसके साथ ही साथ अभी आप इनिशियली जो आपने एसएल रखा था वो नहीं रखोगे, बल्कि आप ट्रेल करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हो एसएल के नजदीक आ चुका था, तो हमें सेकेंड चांस नहीं रहना है। अगर इसको ब्रेकआउट करना है तो इसके ऊपर ही जा सकता है ब्रेकआउट, या अगर नीचे जाना है तो अभी ये टाइम आपका एसएल लेके जाएगा। इसलिए हमेशा हमें क्या करना है, यहाँ पे हम रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी कैपिटल सेव हो जाएगी। तो रिस्क मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन ट्रेडिंग, जिससे आपको नो डाउट इनिशियली बेनिफिट ही होने वाला है। एंड मेनली ये सारी नॉलेज आपको हमारे लाइव एनालिटिकल सेशन में एक्सप्लेन की जाती है, कि कहाँ पे आपको एसएल ट्रेल करना है, कहाँ पे आपको ब्रेकआउट प्लान करने है, कहाँ पे आप आपके टारगेट जोन्स देख सकते हो एंड अकॉर्डिंगली। तो ये था डिवी स्लैब का अपडेट, जिससे आपको एक पता चलता है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसी इंपॉर्टेंट होती है, प्रॉपर एसएल मेंटेन करना, प्रॉपर एसएल कैसे ट्रेल करना है, कैसे आपको आर्ली स्विंग लोज या डेली स्विंग लोज के नीचे हमें एसएल्स प्लान करने होते हैं जैसे प्राइस फॉरवर्ड मूव करती है, ताकि आप परफेक्ट वे में आपकी ट्रेड मैनेज करें एंड प्रॉपर वे में आपकी कैपिटल भी मैनेज करें। चलिए अब देखते हैं लेटेस्ट स्विंग अपडेट जो आपको दिया गया था ऑन 9th ऑफ जुलाई, वो था इंडियन होटल। इंडियन होटल अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है, जैसे आप देख सकते हो चार्ट पे प्राइस सेम फॉर्मेट के साथ ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी है। जैसे आप देख सकते हो प्राइस फॉल हो चुकी है, फॉल होने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्सल के लिए होता है ऑप्शन लेवल्स। ऑप्शन लेवल्स एनेबल करने पे आप देख सकते हो मैक्स पुट ओआई लेवल, तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मेनली अगर आप देखोगे तो मैक्स पुट ओआई लेवल का मतलब यही होता है कि यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी में पुट बेचे गए, तो यहाँ पे बिग प्लेयर्स प्रेजेंट है, पुट राइटर्स प्रेजेंट है। हमें क्या करना है, प्लान ब्रेकआउट के लिए प्लान करना। अगर आप देखोगे प्रीमियम ग्रुप में तो एग्जीक्यूशन एक्सप्लेन की गई थी, इंडियन होटल सिंपल अंडरस्टैंडिंग, रेड बैंड प्रेजेंट है, यहाँ पे ग्रीन बैंड भी प्रेजेंट है, मैक्स पुट ओआई लेवल प्रेजेंट है 600 पे, एंड जैसे आप देख सकते हो प्राइस सस्टेन कर रही है, एंड मैक्स कॉल ओआई एंड रेड बैंड सुपर कॉम्बिनेशन है ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए। जस्ट हमें अभी वेट करना है फॉर फ्यू डेज कि कब यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा और कब हमें प्रॉपर वे में एग्जीक्यूशन मिलेगी। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो इंडियन होटल करंटली लोस पे, नो इश्यूज, जैसे हमने बताया
स्विंग स्क्रीनर में स्टॉक आया है इसका मतलब ये नहीं होता हमें ब्लाइंडली एग्जीक्यूट करना है। प्राइस अभी नो डाउट नियर टू द एसएल जोन है बट हमें वेट करना है प्राइस ब्रेक करने के लिए अबाउ द रेड बैंड। रेड बैंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेड बैंड के साथ अगर आप देखोगे तो मैक्स कॉल हुआ है, ये सुपर कॉम्बिनेशन हो जाता है क्योंकि रेड बैंड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है, सेलिंग जोन है, सेलिंग प्रेशर है, अच्छे गुड क्वांटिटी में यहाँ पे सेलर्स है। सेम वेज मैक्स कॉल ओआई का मतलब होता है यहाँ पे कॉल राइटर्स प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे एक बेरिश मोमेंटम की एक सेंटिमेंट है, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट है जिनकी जो सेंटिमेंट है वो बेरिश है। तो अगर ये दो बिग प्लेयर्स दैट इज रेड बैंड एंड मैक्स कॉल ओआई अगर ये ट्रैप हो जाते तो एक वन वे यहाँ पे रॉकेट मोमेंटम की रैली देखने मिल सकती है। तो हमेशा आप समझिए कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है, हमें एक एग्जीक्यूशन पैटर्न को फॉलो करना होगा और एक प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर में उसको ट्रेड करना होगा। तो ऑलवेज डोंट ट्राई टू हरी इन एनी एग्जीक्यूशन, वेट करिए एग्जीक्यूशन के लिए। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर क्रॉस करेगा, माइट बी एक दिन ले या माइट बी वन वीक ले, बट जब भी प्राइस क्रॉस करेगा एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन बनेगा इन नेक्स्ट फ्यू डेज, तब बेसिकली हम इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये था एक अपकमिंग ट्रेड जो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में भी डिस्कस किया। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एचडीएफसी लाइफ परफेक्ट वे में हमें एक ब्रेकआउट ट्रेड दे देता है, बट हम ये इंडियन होटल का भी ट्रेड फोकस पर रख सकते हैं फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और नो डाउट आपको एक प्रॉपर वे में इनसाइट्स मिल गई होगी कि ट्रेड क्लू पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे हम प्लान करते हैं। हमने लास्ट मंथ भी एक वीडियो ड्रॉप किया था जहाँ पे हमने SRF का अपडेट एक्सप्लेन किया गया था, सेम वेज था, सेम फॉर्मेट के साथ ब्रेकआउट था, और फिर एक बार हमने उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट के साथ HDFC लाइफ एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर में ब्रेकआउट देखने मिला। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फ्यू डेज में कैसे इंडियन होटल परफॉर्म करता है। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फेलो ट्रेडर्स। थैंक यू।